20 जुलाई वर्ष 1965 में महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का निधन हुआ। बटुकेश्वर दत्त का नाम तब सबसे ज्यादा मशहूर हुआ जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसके बाद इन दोनों ने बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए थे। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था और इसीलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया। उन्होंने वहां पर्चे भी बांटे जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला जिसके तहत इन्हें लाहौर जेल भेजा गया, जहां दत्त को आजीवन कारावास की सजा और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में ही बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल भी की। बाद में वर्ष 1945 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 20 जुलाई वर्ष 1969 में मनुष्य ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचा जब नील आर्मस्ट्रांग के चांद की सतह पर उतरते ही मनुष्य ने चांद पर अपना पहला कदम रखा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों में शुमार है चांद पर इंसान का पहुंचना, और इसी सपने को साकार किया अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत के कैप कैनेडी स्टेशन से अपोलो 11 की उड़ान ने। यान को ले जाने वाले रॉकेट को देखने के लिए पूरे राज्य से लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरते ही महज 12 मिनट के अंदर अपोलो 11 पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटने लगा। अपोलो 11 के इस ऐतिहासिक मिशन पर, इस यान पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ अन्य दो अंतरिक्ष यात्री थे, माइकल कॉलिंग्स और एडविन ऑल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की सतह पर ऑल्ड्रिन भी उतरे और दोनों ने मिलकर चांद पर कई तस्वीरें खींची और अमेरिकी झंडा गाड़ा।